स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। हाय राम, देखो तो सही, जिठानी जी के कपड़े नीचे गिर गए। हाय राम, धूल लग गई होगी, झाड़ना पड़ेगा, झाड़ना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी फ्रॉक क्यों सिलाई है संध्या बीननी? अब फिरोक? जी फिरोक नहीं है, ये तो वो मैक्सिया है ना, और रात में पहने हैं ना औरतें, और ये फिल्मी हीरोइन ही पहनती। हाँ आई हूं तो कुछ तो मजेदार जरूर ही करूंगी। संतुड़ी, मैं तो बोलना भूल गई थी, अमीली ने देखी रिक्शा में जाते हुए, कठे भेजी है सुबह सुबह? रे दाइसा, वो अपने माँ बाप से मिलने गई है, ब्याह के बाद जाने का मौका ना मिला ना उसे, इसलिए। अब ये घर परिवार की तो बात छोड़ दे तू, तीज का त्योहार आ रहा है, हर साल की तरह इस साल भी हम हनुमान गली वाले इकट्ठे ही तीज का त्योहार मनाएंगे। अरे संतोष, तू चिंता ही मत कर, अरे मैं तो मेहंदी वाली ने भी बोलकर आई हूँ कि सजोत की अच्छी रचनी मेहंदी लेकर आए। अरे हनुमान गली की सब लुगाया का हाथ एकदम रचना चाहिए, क्यों बिमला? हाँ, सही बात। अरे थारे होते हुए किसी ने चिंता करने की क्या जरूरत? मतलब मोहल्ले का बड़ा वाला रेडियो भी है और उसके साथ दो बापू भी आए हैं। ये मैक्सी दिखाने का बहुत बढ़िया मौका है मीना। वैसे भी सारी की सारी बड़ी तारीफें करती थी ना, अब पता चलेगा जब जेठानी जी की मैक्सिया खोलूंगी इनके सामने। दाइसा, ठीक बोलो ना। अरे दाइसा, आपने तीज के मौके पे वो झूले तो डलवाएंगी ना? मारा सच में बताऊं, बड़ा ही मन कर रहा है झूले झूलने का, वो ऐसे हिंडोले खाने का। अरे मिन्नूड़ी, तू के गेली गेली बाता कर रही है? हाँ, अरे पिछला तीज का झूला में तेरी बुद्धि हवा होगी थी के? अरे तीज को त्योहार भी कोई झूला के बिना पूरा हो गए के? मैं भी ना सचमुच गेली ही हूँ। अब भाबो, मैं काना को खाना खिलाने जाती हूँ। ये थैली, थैली के बारे में तो बताना ही भूल गई। भाबो, पता है वो मैं काना के कपड़े लेने गई थी ना दर्जी से जन्माष्टमी के लिए, तो वहां पे दर्जी ने मारे हाथ में धर दिया कि अपनी जिठानी जी को दे दियो भाई, तो मैंने कहा मैं ले जाती हूँ। भाबो, वो मैं आप सब लोगों के लिए चाय ले आऊं? खातिरदारी करना मन ने भी आवे। मेरे घुटनों, अरे उठ के मिलो, उठ, पहले से मेरा घुटना में दर्द तो तोड़ गेरी। दाइसा, ज्यादा लग गए, लाओ मैं दबा देती हूँ। छोड़, मेरे घुटने मिले तो क्या तोड़ने के लिए? माफ कर दीजिएगा दाइसा, वो मैं तो। हाय राम, देखो तो सही, जिठानी जी के कपड़े नीचे गिर गए। हाय राम,
धूल लग गई होगी, झाड़ना पड़ेगा झाड़ना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी बड़ी फ्रॉक क्यों सिलाई है संध्या बीननी? फिरोक जी, फिरोक नहीं है ये, तो वो मैक्सिया है ना, और रात में पहने हैं ना औरतें, अरे फिल्म हीरोइन ही पहनती। हाँ लेकिन ये जिठानी जी ने ऐसे कपड़े क्यों सिलवाए? वो तो ऐसे कपड़े पहनती को नहीं। मीनू तू तो बावली हो गई क्या सचमुच? अरे पहली बार संतूरी का सामना क्या पहनती है सब? अब अलग हवा है, कोई रोकना वालों को नहीं, कोई टोकना वालों को नहीं, अपना काम और अपना काज, तो जो मन में वो पहनेगी। अब सूरज तो भोलो भालो सीधो साधो है ना, वो के बोला कल की आई बिंदनी ऐसी मैक्सिया पहनेंगे, यही जमाना आ गया है। संतोष घर की बहुओं को तो है ना लगाम लगा के रखना चाहिए, नहीं तो कल को ना जाने ये के कर जावे ना। बिल्कुल गलत, इस बात में संध्या बीननी से ज्यादा संतूरी की गलती है। अब संतूरी जमानो बदल को है, अब थारो मारो जमाना को नहीं रहो। आजकल की बीननिया पिंजरा में कैद रहनो पसंद को नहीं करे, तो थोड़ी आजादी दे बीननिया ने ताकि वह तेरी बात समझ सके। अब देख ले संध्या बीननी ने अलग होए 3 ही दिन हो गया है, और 3 दिन में दिक्कत पहनने ओढ़ने को ढंग बदल गो। भाई पढ़ी लिखी बीननी है तेरी, कल पुलिस अफसर बनेगी, आदमियों की तरह पैंट कमीज पहनेगी। अब थे बोलो कदे पुलिस अफसर लुगाई ने साड़ी पहना देखी हो के? दाई साहब आप बिल्कुल सही कह रही हो। भाई सलाम ठुकवावेगी, हाथ में डंडो लेकर हुकुम चलावेगी, तो अब आपकी बीननी ने समझना शुरू कर दे और अपने आप ने बदलना शुरू कर दे। आपकी बीननी के हिसाब से ढलने की कोशिश कर, तो ये सब बातें हजम कर ले, दिल पर मत लगा कर बैठ। सारे मक्खियाँ घर में कैसे आ गए? सॉस की बॉटल कैसे गिर गई? शायद मैं जब कान्हा को पानी देने आई थी तभी सब गिर गया होगा। लो भाई अब बात बात में समय को पता ही कौन चाल्यो? मेरी बीननी आटो गूंद कर बैठी होसी कि मासा आवे तो मैं गरम गरम हल्का बना कर खुआ। बिका ना मेरा बिना एक निवालो भी को नहीं उतरा गला से। बावली है बोले कि मेरी सासू मेरे लिए भगवान है। के समझाऊ अब सबकी किस्मत इसी अच्छी थोड़ी हुआ है। कोई बहुत ही बड़ा पुण्य करके आई हूँ जिको मैंने इसी बीननी मिली। सुना रही है मेरी बाबू को? अच्छा संतोष चलो, हाँ देर हो रही है चलो। मैं आप लोगों ने दरवाजे तक छोड़ा, आओ हम लोग भी चलो। अभी भी नहीं जा रही, अब क्या करूं?
वो कहती है कि घर में धूप जलाने से मच्छर और मक्खियाँ नहीं आते। धूप जला देती हूँ, छत पर चले जाएं। उम्मीद करती हूँ बाबू आपको ये नजारा तो पसंद आया होगा। बढ़िया है। चल रबड़ी जरूर से खा ली है, बहुत ही स्वाद थी। ठीक है चलो आज। सूरज के घर से हमारा राम जी, कहीं संध्या बिनिनी ने हमारे छोरे का घर तो ना जला दिया। हो दिया और बाकी हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।